अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी रमल खान। ओके जी, तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं उन सबको मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। और आप सबको बताती चलूँ कि मेरे चैनल पे आप लोग डिफरेंट व्लॉग्स देख सकेंगे, डेली व्लॉगिंग भी कर रही होती हूँ इसी चैनल पे, डिफरेंट कुकिंग और रिव्यूज़, मेकअप के बहुत सारी चीज़ें मैं इसी पे कर रही होती हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करते रहें और देखते रहें और डिफरेंट वीडियोज़ को आप लोग इन्जॉय करते रहें। जी, तो आज की वीडियो मैं लेके आई हूँ एट्रियम मॉल की। एट्रियम मॉल कराची में है, सदर में, तो वहाँ पे जा रही हूँ मैं। रास्ता आप लोग साथ साथ देख रहे हैं। और पार्किंग की बताऊँ, मॉल के अंदर पार्किंग कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाहर ही पार्किंग आपको मिल जाती है। 100 रुपीज़ पार्किंग की चार्जेस हैं, ठीक है। पार्किंग ये वाली, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारी पार्किंग है यहाँ पर। और फिर चलते हैं अंदर। ओके जी, तो यहाँ पे ये है जी एंट्रेंस, यहाँ से अंदर जाएंगे और सारा मॉल आपको विज़िट करवाऊंगी। यहाँ पे ज़्यादातर फैक्ट्री आउटलेट्स हैं जिन पे हर टाइम सेल लगी रहती है डिफरेंट आइटम्स पे, ठीक है। अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे कौन कौन से ब्रांड्स हैं ये सारे आप लोग साथ साथ देखते रहें। ग्राउंड फ्लोर पर ज़्यादातर आपको शूज़ के ब्रांड्स मिल जाएंगे, ECS, स्टाइलो, और इसके अलावा बाटा, इंसिग्निया, काफ़ी सारे यहाँ पे ब्रांड्स हैं ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ है यहाँ पे, डाइनर्स है यहाँ पे, और क्या है यहाँ पे, ये शाहजेब सैयद। और इसके अलावा आप लोग देखते रहेंगे मेरे व्लॉग में भी, तो ब्रांड्स पे लगी हो सेल तो किसको नहीं पसंद भाई, सबको ही पसंद है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन से ब्रांड्स पे सेल है, कौन कौन सा ब्रांड है यहाँ पे, और मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। बात करेंगे यहाँ पे स्टाइलो की, वन ऑफ माय फेवरेट आउटलेट, बट यहाँ का आउटलेट एट्रियम का बिल्कुल बकवास है। अगर आप लोग स्टाइलो आना चाहते हैं एट्रियम के, तो ना आए जी। तो हर मॉल की तरह स्टॉल्स इस मॉल में भी हैं, एट्रियम में भी, डिफरेंट ज्वेलरी के, मेकअप के, परफ्यूम्स के, और हर्बल स्टॉल्स, तो वो भी आप लोग देखते रहेंगे। यहाँ पे ज्वेलरी के स्टॉल पे मैं हूँ, ये ग्राउंड फ्लोर पे है, काफ़ी अच्छी ज्वेलरी थी, डिफरेंट प्राइसेस हैं यहाँ पे, आप लोग जाके देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये कॉस्मेटिक की शॉप ज्वेलरी के स्टॉल के बिल्कुल साथ में थी, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम्स लग रहे थे। लिप ग्लॉस की बात करें, ये 350 का था। क्लाज़ोना के बहुत अच्छे लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो ये 600 का लिप ग्लॉस है यहाँ पे। और बाकी डिफरेंट प्राइसेस थी, सब मैंने पूछी भी नहीं। तो ये है जी एट्रियम मॉल का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव स्टॉल, हैंडीक्राफ्ट, अफगान हैंडीक्राफ्ट की ये स्टॉल है, और बहुत खूबसूरत, कलरफुल और मज़ेदार। ओके जी, टाइम टू एक्सप्लोर फर्स्ट फ्लोर, तो चलें जी, चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। तो सामने बहुत प्यारा सा मुझे फ्रॉक नज़र आ रहा था, ये कलियों वाला फ्रॉक था। चलते हैं, चल के देखते हैं कैसा है ये। ओके जी, तो कुछ इस तरह की इसकी डिज़ाइनिंग है, और मैंने देखना था कि इनर क्या है, तो इनर जो है ये अटल का था यहाँ पे। अच्छा, खैर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने सोचा चलो आगे चलते हैं। और आगे बुनंजा सतरंगी, बहुत मज़ेदार ब्रांड है ये, इसकी लॉन बहुत अच्छी सॉफ्ट लॉन होती है। और इसके अलावा आइडियाज़ है यहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर पे डॉलर शॉप है, और साया ब्रांड है यहाँ पे। ये मैं फ़र्स्ट फ्लोर की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की है, आगे चल के दिखाऊंगी भी सही मैं आपको।
अच्छा, तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको कैजुअल जो ड्रेसेस हैं ये काफ़ी सारी शॉप्स अंदर अंदर आपको मिल जाएंगी। आप लोग अगर एट्रियम जाएंगे तो अंदर अंदर सारी शॉप्स को एक बार विज़िट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सा ब्रांड है, और सेकंड फ्लोर पे मैंने ज़्यादा शॉपिंग की है, सेकंड फ्लोर पे कौन कौन से ब्रांड्स हैं वो भी दिखाऊँगी आपको। तो पहले थोड़ा सा ये विज़िट कर लें, फिर इसके बाद चलते हैं। जी, तो ये कुछ शॉपिंग की है मैंने, और कहाँ से क्या कुछ लिया है, कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, तो चलें लेके चलती हूँ आपको कि मैं कहाँ गई हूँ और कहाँ से मैंने क्या शॉपिंग की है। तो अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल फ्रंट पे खाड़ी है, ठीक है। खाड़ी का ये फैक्ट्री आउटलेट है। फैक्ट्री आउटलेट जिसको नहीं पता तो मैं उसको बता दूं कि यहाँ पे हर टाइम सेल लगी रहती है, ठीक है। यहाँ पे रेड टैग्स के जितने भी स्टॉल्स हैं वहाँ पे, ये कि रेड टैग का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ डैमेज है वहाँ पे किसी भी आर्टिकल में, ठीक है। और बाकी फ्रेश पीस भी हैं इनके पास, लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग लकी वन से या डॉलमन से जो हम शॉपिंग करते हैं तो वो आर्टिकल्स यहाँ पे बहुत आपको कम दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो सेल लगी हुई थी 20%, 30%, 40, 50, 70% तक की यहाँ पे सेल थी, ठीक है। यहाँ पे 2 पीस, 3 पीस और आपको प्लेन ट्राउज़र्स मिल जाएंगे, स्टोल्स मिल जाएंगे, डिफरेंट चीज़ें हैं। 3 पीस में आपको एम्ब्रॉयडरी में, आपको फैंसी में, आपको फिर प्रिंटेड में, फिर इसके अलावा 2 पीस प्रिंटेड, 2 पीस आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी 2 पीस में, और क्या मिलेगा, नहीं फिर 1 पीस में, 1 पीस में आपको जो दुपट्टे हैं इनके प्रिंटेड वो काफ़ी अच्छे हैं, इनकी शॉल्स काफ़ी अच्छी हैं, और इसके अलावा और क्या है इनके पास, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स काफ़ी अच्छी हैं। तो मुझे कुछ प्रिंट्स 2 पीस में अच्छे लगे थे और बिल्कुल मज़े के कलर से, वो मैंने लिए हैं यहाँ से। और इसके अलावा ज्वेलरी के आइटम्स पे भी सेल थी, और जो इनका रेडी टू वियर आइटम्स हैं उन पे भी सेल थी। तो साथ साथ आप लोग देख ही रहे हैं तो कुछ ये सारे आइटम्स हैं यहाँ पे, हर साइज़ नहीं है, ठीक है। अगर आपको 10 साइज़ चाहिए तो उसमें ये नहीं होगा कि हर आर्टिकल में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे फ्रेश पीस नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की यहाँ पे शॉपिंग है। ओके, तो खाड़ी पे काफ़ी सारा टाइम मेरा लग गया, अब शॉपिंग हो गई है, बिलिंग करवाते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट आउटलेट पे चलते हैं। ओके जी, तो एट्रियम मॉल का व्लॉग बनाने का मकसद मेरा ये था कि जिन बहनों को नहीं पता, जिन भाइयों को नहीं पता कि एट्रियम मॉल में किस तरह की सेल है, फैक्ट्री आउटलेट क्या है, तो उन सब के लिए ये वीडियो थी। क्योंकि मैं ख़ुद फर्स्ट टाइम गई थी तो मैंने पूरी कोशिश की है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी इस वीडियो में दे दूं। तो यहाँ पे आपको जितने भी ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं, चाहे खाड़ी है, सना सफीना है, जे डॉट है, ऑक्स है, आउटफिटर्स है, तो इन सारे ब्रांड्स के यहाँ पर ये फैक्ट्री आउटलेट हैं, एथनिक है, तो यहाँ पे हर टाइम आपको सेल मिलेगी, ठीक है। 20%, 30%, 50%, 70% ये आपको सेल मिलेगी ही मिलेगी, सारा साल मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये फ्रेश पीस नहीं होते हैं, ठीक है। और बस जी, अब चलते हैं आउटफिटर्स में, आउटफिटर्स में देखते हैं कि
क्या सेल है और कैसे आर्टिकल्स हैं। ओके, तो मेरे हस्बैंड ने शॉपिंग करनी थी कुछ, तो मैंने सोचा कि चलो यहीं से ही कर लेते हैं। तो जीन्स की पैंट्स यहाँ पे बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन शर्ट्स अच्छी थी, टी शर्ट्स भी कुछ अच्छी थी, और इसके अलावा कैजुअल शर्ट्स भी अच्छी थी। तो वो कुछ फिर इन्होंने ट्राई की, कुछ वो परचेजिंग की है हमने, और बाकी विंटर कलेक्शन इनके पास काफ़ी सारी थी। ये जो मैं आपको शर्ट्स दिखा रही हूँ, ये सारी विंटर कलेक्शन की हैं और काफ़ी अच्छी लग रही थी। ओके, प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पे 3200, 3100 इस तरह की प्राइसेस थी, और किसी पे 30% ऑफ है, किसी पे 50% ऑफ है। सो आउटफिटर से होगी शॉपिंग, तो मज़ीद आगे चलते हैं, बाकी ब्रांड्स दिखाती हूँ आपको। बच्चों की शॉपिंग करनी है, मिनी माइनर्स के काफ़ी अच्छे ड्रेसेस होते हैं, फ्लैट 50% यहाँ पे है। और सामने से जो रोबोट आ रहा है, इसकी मैंने चार्जेस नहीं पूछे थे, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव सा लग रहा था, तो ये राइड काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसके अलावा पीछे आपने पहले वीडियो में देख लिया है, खाड़ी के सामने जो हॉर्सेस वगैरह लगे हुए थे, वो भी मेरे ख्याल से 200-150 इस तरह उनके एक एक राइड की चार्जेस थे। ओके जी, तो यहाँ पे जेलबरी और इसके साथ है जी जे डॉट, ये सारे फैक्ट्री आउटलेट हैं। यहाँ पे जितने भी आउटलेट्स हैं वो सारे आपको फैक्ट्री आउटलेट्स नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आपको फ्रेश पीस मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत कम होते हैं इनके पास फ्रेश पीस, वरना इनके पास क्योंकि सेल के ही आइटम्स होते हैं। आपने अगर फ्रेश पीस लेने हैं तो आप लकी वन जाएँ, डॉलमन मॉल जाएँ, और बाकी अपने अपने सिटीज़ में जो और मॉल्स हैं आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। घूमते फिरते शॉपिंग करते अब प्यास लग गई है, तो मैंने सोचा फूड कोर्ट चलते हैं और वहाँ से कुछ खाते पीते हैं। तो मैं जा रही हूँ थर्ड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर में है जी फूड कोर्ट है, इसके अलावा यहाँ पे सिनेपैक्स भी है, तो जिसने मूवीज़ देखनी है तो यहाँ पे आएँ, इन्जॉय करें, शॉपिंग भी करें, खाना पीना भी करें और मूवीज़ भी देखें। तो दिखाऊँगी आपको बॉक्स ऑफिस भी, और पहले हम चलते हैं फूड कोर्ट। ओके जी, फूड कोर्ट पे आ गए हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बड़ा नहीं है, थोड़े से यहाँ पे ब्रांड्स हैं, और पहले बैठे हैं हमने, देखते रहे हम, थोड़ा सा आराम किया है और देखते रहे कि कहाँ से क्या लेना चाहिए। तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि चलो आज ट्राई करते हैं OPTP। तो ऑर्डर किया है वहाँ पे OPTP पे, क्या ऑर्डर किया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी हम वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का। सो फाइनली ऑर्डर आ गया हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास DYG, और DYG क्या है, द यंग गन। यंग गन पहले इनका आ रहा था शॉटगन, शॉटगन बहुत मज़े का था, तो इन्होंने नाम चेंज कर दिया, यंग गन रख दिया, द यंग गन। ठीक है, और इसके अलावा जी मैंने एक कॉम्बो मंगवाया था, तो कॉम्बो में ये फ्राइज़, सिंपल फ्राइज़ और एक टेन था जो कि 250 का था। बिल साथ दिखा रही हूँ मैं, और मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी कि इनकी क्या क्या प्राइसेस थी। ओके, तो यहाँ पे ये ओपन किया है जी दी यंग गन, और साइज़ इसका बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, कि बस नॉर्मल सा साइज़ है इसका। ठीक है, और इसके अलावा दुख तो मुझे लगा कॉम्बो से, इतने से फ्राइज़ और साथ टेन,
टिन यहाँ पे, अगर आपने सेपरेटली टिन लेना है क्योंकि हमने दो टिन लिए हैं, तो एक एक्स्ट्रा टिन जो हमने लिया 150 का एक टिन है यहाँ पे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है एट्रियम वालों, ये बहुत गलत बात है। ओके जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो यंग गन था बिल्कुल भी मज़े का नहीं था, मुझे थोड़ा सा ऑयली भी लग रहा था, मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था उसको, ऑयली भी लग रहा था और मज़े का नहीं था। लेकिन डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन पे जो मैंने ट्राई किया था शॉटगन, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का, ठीक है। यहाँ पे बाकी मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि एट्रियम से OPTP आप लोग ट्राई करें, ठीक। और बाकी अब क्या दिखाऊँ आपको, बॉक्स ऑफिस दिखाती हूँ। जी, तो जैसे ही आप लोग थर्ड फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बॉक्स ऑफिस है, यहाँ से आप लोग टिकट्स ले सकते हैं और ऊपर सारे सिनेपैक्स हैं, ठीक है। डिफरेंट यहाँ पे मूवीज़ अभी चल रही थी, लंदन नहीं जाऊँगी ये मूवी थी, यही सबसे ज़्यादा इसी के ही चर्चे हो रहे थे, पता नहीं कैसी मूवी है, आई डोंट नो, मैंने नहीं देखी। और दो तीन और भी मूवीज़ थी यहाँ पे, और टिकट लंदन नहीं जाऊँगी का टिकट था 700 का, 700-800 ये सारी इनकी टिकट की प्राइसेस थी, ठीक है। बाकी वो सामने मैं आपको दिखा रही हूँ कौन कौन सी मूवीज़ लगी हुई थी, जिसने देखनी है तो जाओ मज़े करो, इन्जॉय करो, मैंने तो नहीं देखनी। शॉपिंग हो गई, खाना पीना कर लिया, अब थक के चूर हो गई थी मैं, मैंने सोचा अब चलो भाई घर को चलते हैं, तो अब लौट चलें, तो अब हम जा रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये बच्चों का प्ले एरिया भी है यहाँ पे, ये छोटा सा ग्राउंड फ्लोर पे ही है, जैसे ही आप एंटर होंगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पे, तो अब हम जा रहे हैं नीचे। ये जो सामने आप देख रहे हैं इत्तेहाद, इंसिग्निया, बाटा, ये सारा ग्राउंड फ्लोर है क्योंकि हम लोग घर जा रहे हैं, ठीक है जी। और बाहर से भी आपको सारा दिखा देती हूँ कि किस तरह का एनवायरनमेंट है और कहाँ पे ये मॉल है। चले जी, जहाँ से एंट्रेंस थी वहीं से एग्जिट भी थी, वहीं से हम लोग बाहर जा रहे हैं। दिखाने का मकसद ये था कि इतने सारी मैंने वीडियोस देखी हैं लेकिन किसी ने इतनी ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो मैं जाऊंगी तो मैं कार पार्किंग की भी और सारा बाहर से अंदर से ईच एंड एवरीथिंग सब बताऊंगी, क्योंकि जो बहनें बहुत कम जाती हैं शॉपिंग करने, तो वो देख के जाएं और मेरी वीडियो देख के जाएं। ओके जी, तो कार पार्किंग की तरफ हम आ चुके हैं, इस तरह की कुछ पार्किंग है यहाँ पे, और 30 rupees पहले चार्ज करते थे, फिर 50 कर दिए, अब 100 कर दिए हैं। और ये जो पठान भाई हैं, ये तो पता नहीं लड़ने ही लग गए थे मुझे, 100 rupees ही दोगे, तो भाई 100 rupees लो, लेकिन ये अच्छा, इन लोगों से पर्ची मांगो, इन लोगों के पास नहीं है, ये सही इन लोगों ने किया हुआ है, दो नंबरियाँ मचाई हुई हैं कराची में, बस इनको ये मसला हो रहा था कि वीडियो नहीं बनाओ। भाई मैंने बोला भाई मैं अंदर की बना रही थी, पार्किंग की भी बना रही हूँ, पार्किंग भी तुमने ये पार्किंग खरीदी हुई है तो बात भी है, नहीं जी पार्किंग की वीडियो ना बनाए। क्यों ना बनाए? क्योंकि ये इल्लीगल खड़े होते हैं, ये नाजायज़ पैसे ले रहे होते हैं, तो इस वजह से, तो इसलिए मैंने इनकी वीडियो आपको दिखा दी है बस। चलें जी, आई होप आज का व्लॉग पसंद आया होगा आपको, आप घर चलते हैं और आपने सारा व्लॉग देखना है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, स्पेशली जो कराची के लोग हैं उन्होंने ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। मिलूंगी मैं एक बहुत ही मज़ेदार सी, धमाकेदार सी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। और आप क्या करें, सब्सक्राइब तो कर दें, इतनी वीडियो देखिए सब्सक्राइब ही नहीं करते आप लोग, कर दिया करें सब्सक्राइब, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, पैसे नहीं लगते इसमें, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें प्यारा सा। ओके, तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।